hi guys welcome to an academy so this is our channel crack 11 CBSE commerce with us so a quick introduction about myself I've, I'm Riti Spandana I've done my BTEC in instrumentation and control engineering I have nine plus years of teaching experience and I'm a faculty in Hyderabad so on our subscription channel लेट्स क्रैक इलेवेन्थ सी बी एस ई कॉमर्स दिस इज़ वॉट यूर गोइंग टू गेट सो यू वी हैव डेली लाइव क्लासेस सो डेली लाइव क्लासेज बेसिकली इज़ अ रियल टाइम एक्सपीरियंस ऑफ अ क्लास रूम फोर यू तो आपको एक रियल टाइम क्लास रूम एक्सपीरियंस मिलेगा सिर्फ घर बैठे एक अच्छे इंटरनेट कनेक्शन के साथ सो वॉट यूर गोइंग टू गेट योर द एडवाटेज ऑफ अ लाइव सेशन की एक रिकॉर्डेड सेशन और लाइव सेशन में आपको एडवांटेज ये रहेगा कि आप जो भी डाउट्स रहेंगे उस सेशन में यू कैन आस्क इट इमीडिएटली एंड यू कैन गेट देम क्लैरिफाइड तो जो भी उस सेशन के बीच आपको डाउट्स आएंगे उनको क्लैरिफाई करने के लिए आपको ईजी रहेगा सो दिस इज एन एडवांटेज ऑफ अ लाइव सेशन सो लाइव सेशन इज ऑलवेज बेटर देन अ रिकॉर्डेड सेशन यू आर ऑल्सो गोइंग टू गेट लाइव टेस्ट एंड क्विजेज़ तो ये आपको एक रियल टाइम एग्जाम एक्सपीरियंस देगा तो जो भी आपके एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन है उसको किस तरीके से करना है वॉट आर द स्ट्रांग एरियाज़ दट यू हैव एंड वॉट आर द वीक एरियाज़ दैट यू हैव दैट इज एग्जैक्टली वॉट यू कैन अंडरस्टैंड थ्रू दिस लाइव टेस्ट एंड क्विजेज़ तो ये लाइव टेस्ट और क्विजेस इसी लिए प्लान किए गए हैं कि आपको पता चलेगा आपके वीक uh, एरियाज़ कौन से और गुड uh, एरियाज़ कौन से बेस्ड ऑन दैट यू कैन

तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर एग्जाम प्रिपरेशन एट ऑल द इंटायर कोर्स विल बी स्ट्रक्चर्ड अराउंड योर सी बी एस ई पैटर्न तो जो भी आपका सी बी एस ई का रिक्वायरमेंट है हम लोगों का सिलेबस जो है वो एग्जैक्टली उसी के बेसिस पे रहेगा यू हैव अनलिमिटेड एक्सेस सो बेसिकली वॉट अनलिमिटेड एक्सेस मीन्स Let's say, आपने किसी वजह से यह लाइव सेशन अटेंड नहीं कर पाए हो तो यू कैन ऑलवेज अटेंड अडेड सेशन ऑफ द सेम टॉपिक सो दिसूज दैट यू हैवर दैट यू कैन अटेंड अनलिमिटेड क्लासेज अनलिमिटेड एक्सेस टू दोडीडेड और इफ़ यू हैव मिस्ड एनी क्लासेस इन अंडर लाइव सेशन लाइव सेशन के अंडर आप कोई क्लास मिस करते हो या किसी पर्टिकुलर टॉपिक को या क्लास को आप दोबारा अटेंड करना चाहते हो तो आपके लिए अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा उन वीडियोज़ के लिए नाउ दज एन अदर एडवांटेज लेट्स लेट्स यू हैव एन एग्जाम इन टू डेज

सो यूर गोइंग टू बी यू नो ट्रेंड अंडर टॉप एजुकेटर्स तो हमारे एजुकेटर्स बहुत अच्छे हैं एंड योर गोइंग टू गेट ट्रेंड अंडर दैम एंड दन एडवांटेज दैट यू कैन अंडरस्टैंड योर वैन यूर लुकिंग एट अनलिमिटेड एक्सेस इज़ जो भी एजुकेटर का सेशन आप अटेंड करना चाहते हो आप अटेंड कर सकते हो सो द इज नो रिस्ट्रिक्शन दैट यू हैव टू अटेंड ओनली वन पर्टिकुलर एजुकेटर सेशन सो इफ यू अटेंड अ पर्टिकुलर लाइव सेशन ऑफ अ पर्टिकुलर एजुकेटर आप दोबारा तो जब रिकॉर्डेड सेशन सुनोगे उसका तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा उसी सेशन का दूसरे एजुकेटर्स से सुनने का सो यू हैव अनलिमिटेड एक्सेस नॉट जस्ट टू द सेशंस रिकॉर्डेड सेशंस बट यूलो है डिफरेंट एजुकेटर्स एंड यू आर गोइंग टू गेट ऑल ऑफ दिस ओनली ऑन आर सब्सक्रिप्शन ऑन द ऐप सो द सिलेबस इज कॉम्प्रीहसिडी डिस बिगनिंग दैट आपके जो भी सिलेबस रहेगा स्ट्रक्चर्ड कोर्स रहेगा दैट इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली रिलेवेंट टू योर सी बी एस ई एग्जामिनेशन ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट गो इन टू योर ऐप स्टोर और गूगल एप स्टोर और एप्पल एप स्टोर एंड डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग एप तो जब आप ये ऐप डाउनलोड करते हैं यू जस्ट हैव टू सेलेक्ट द कोर्स दैट यू वॉन्ट टू सब्सक्राइब टू योर

वही अगर आप uh, uh, एक सब्सक्रिप्शन लेते हो ईयर लॉन्ग सब्सक्रिप्शन अन अकेडमी का द होल कोर्स इज गोइंग टू जस्ट कॉस्ट यू रुपीज ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड इफ़ यू यूज़ माई कोड आर आई टी आई देन द सब्सक्रिप्शन कॉस्ट इज गोइंग टू बी एलेवन थाउजेंड टू फिफ्टी ओनली तो आपको एक टेन परसेंट डिस्काउंट मिलेगा हमारे सब्सक्रिप्शन पे वैन यू यूज़ द कोड आर आई टी आई सो प्लीज़ लॉग इन टू आर ऐप एंड सब्सक्राइब टू सो टुडे सेशन इज़ ऑ ऑल अबाउट नाउन्स सो आप आज हम लोग जो है एक नाउन क्या होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स क्या है इसको बहुत अच्छे से समझेंगे एग्जाम्पल्स के साथ सो टुडे वी आर गोइंग टू डू ऑल यू नो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स दैट दे आर देर एंड वॉट एग्जैक्टली इज़ अ नाउन एंड द यूसेज ऑफ दीज नाउन्स सो लेट स्टार्ट विद टुडे सेशन सो द वर्ड नाउन जो है वो लैटिन वर्ड नोमेन से ऑरिजिन हुआ है तो जैसे uh, हमने एक वो कैबुलरी सेशन में सीखा है कि बहुत सारे इंग्लिश ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दूसरे लैंग्वेज से डराइव्ड है ऐसे बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स है जो दूसरे लैंग्वेज से लिए गए हैं तो इन द सेम मैनर द वर्ड पर्टिकुलर वर्ड नाउन जो है दैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड नोमेन और ये लैटिन वर्ड नोमेन का मतलब होता है नेम इसका मतलब क्या हुआ नाउन इज इक्वल टू नेम नाउन का मतलब होता है नाम तो कोई भी नाम हो अगर एक वो नाम है तो वो नाउन है तो यू कैन टेक इट फॉर ग्रांटेड योर ब्लाइंडली आप ये याद रख लीजिए कि कोई भी चीज़ का अगर उसका नाम है तो वो एक नाउन है तो नाम किसका सिर्फ इंसानों के ही नाम नहीं होते हैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के भी नेम्स होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल Uh, अगर मैं ये पर्टिकुलर लैपटॉप uh, से ये सेशन कर रही हूँ तो दिस पर्टिकुलर लैपटॉप तो जो वर्ड है लैप टॉप ये भी एक नाउन है क्योंकि ये इस पर्टिकुलर डिवाइस का नाम है तो आपके घर में रेफ्रिजरेटर टेलीविजन है तो टेलीविजन रेफ्रिजरेटर दीज आर द नेम्स गिवन टू दैट पर्टिकुलर यू नो ऑब्जेक्ट तो कोई भी ऑब्जेक्ट का जो नेम होता है दैट बिकम्स अ नाउन सो एनी नेम नेम ऑफ अ पर्सन तो जैसे कि आप देख सकते हो नेम ऑफ अ पर्सन नेम ऑफ एन एनिमल नेम ऑफ अ प्लेस

जिसका नाम हो वो होता है नाउन ओके नाउ लेट्स मूव ऑन सो नाउन के कितने सारे डिफरेंट वेराइटीज है सो so, नाउन्स कैन बी डिवाइडेड इन टू टू मेजर कैटेगरीज सिर्फ टू कैटेगरीज है मेजर कैटेगरीज नाउन्स में फर्स्ट वन इज अ प्रॉपर नाउन द सेकेंड वन इज अ कॉमन नाउन तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ नाउन होता है प्रॉपर नाउन और ये सेकेंड टाइप ऑफ नाउन होता है कॉमन नाउन और कॉमन नाउन जो है वो और तीन प्रकार से डिवाइडेड है फर्स्ट वाला है कलेक्टिव नाउन सेकेंड वाला है मटीरियल नाउन और तीसरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन सो कॉमन नाउन डिवाइडेड इन टू थ्री कैटेगरीज कलेक्टिव नाउन मटीरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन सो लेट्स अंडरस्टैंड ईच ऑफ दीज कैटेगरीज वेरी क्लियरली इन डिटेल तो डिटेल में हम ईच कैटेगरी को समझते हैं अभी लेट्स स्टार्ट विथ प्रॉपर नाम्स वट इज़ अ प्रॉपर नाउन अ नेम यूज फॉर एन इंडिविजुअल पर्सन एनिमल प्लेस और एन ऑर्गेनाइजेशन तो कोई भी एक स्पेसिफिक नेम जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ उसको स्पेसिफिकली दिया जाता है जैसे ह्यूमन बींग्स का सो लेट्स टेक माई नेम माई नेम इज़ रीति स्पंदना तो ये जो रीति स्पंदना है वो मेरा नाम है तो so, अगर आप देखोगे प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में डिफरेंस क्या है आई एम अूमन बींग तो ह्यूमन बींग पर्सन इज़ अ कॉमन नाउन क्योंकि मैं ह्यूमन बींग हूँ मेरी तरह आप लोग भी ह्यूमन बींग्स हो तो ह्यूमन बींग जो है वो कॉमन नाउन है तो हम ह्यूमन बींग वन टू इस प्रकार से किसी को नेम नहीं कर सकते तो एक इंडिविजुअल का जो यू uh, नो you know, रहता है वो है एक नेम सो अम इज यूज फॉर एन इंडिविजुअल पर्सन जैसे रीति इज अ प्रॉपर नेम प्रॉपर नाउन एनिमल्स का फॉर एग्जाम्पल अगर आपके कोई पेट्स है घर पर पेट डॉग्स है कैट्स है बर्ड्स है वट एवर योर पेट एनिमल इज एट होम इफ यू हैव अ पैट देन दैट पैट नेम इज ऑल्सो अ प्रॉपर नाम तो जैसे अगर आप ये हुआ है डॉग्स देखते हो ड सो दट वर्ड डॉग बाई इट्सैल्फ इज़ अ कामन ना क्योंकि कोई भी डॉग हो चाहे वो मेरा डॉग हो या स्ट्रीट डॉग हो या किसी और का डॉग हो आपका डॉग हो या नेबर्स का डॉग हो हर कोई डॉग का नाम जो है वो डॉग ही रहता है विच मीन्स इट्स अ कॉमन नेम कॉमन का मतलब है सब चीज़ का सेम थिंग सो कॉमन नेम कॉमन नाउन इज बेसिकली अ वर्ड विच इज गिवन टू सिमिलर ऑब्जेक्ट्स प्रका एक ही प्रकार के चीज़ों को जो नाम दिया जाता है उसको कॉमन नाउन बोलते हैं तो प्रॉपर नाउन क्या है जो एक इंडिविजुअल नाम दिया जाता है एक स्पेसिफिक चीज़ को तो उसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं जैसे अगर पी पर्सन की बात होती है तो विराट कोहली क्रिकेटर दीपिका पाडुकोण द एक्ट्रेस पी वी सिंधु द टेनिस प्लेयर बैडमिंटन प्लेयर सो बेसिकली ऑल दीज नेम्स आर प्रॉपर नाउनस लेट्स लुकिट एनिमल्स नाउ एनिमल्स में नेम्स ऑफ पेट्स डॉग्स कैट्स बर्ड्स एक्सेट्रा जो भी आपका पेट एनिमल है वो आता है प्रॉपर नाउन में सो यू कैन नेम योर पेट डॉग लेट्स ए बगीरा और वट एवर इट इज सो ऑल ऑफ दीज कम टू प्रॉपर नाम्स लेट्स लुक इट प्लेस प्लेस अगेन जैसे कंट्री है दर्ड कंट्री वो जो है वो इंडिया भी एक कंट्री है द यू एस इज ऑल्सो अ कंट्री सो ऑल दीज ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो कंट्री तो ये भी जो नेम्स है वो सारे कंट्रीज है चाइना इज ऑल्सो कंट्री तो कंट्री जो है वो कॉमन नेम है सभी इन प्रकार के यू नो पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के तो so, कंट्री जो होता है वो कॉमन नाउन है तो प्रॉपर नाउन क्या है उस पर्टिकुलर कंट्री का एक स्पेसिफिक नेम जो है उसको प्रॉपर नाउन बोलते हैं जैसे इंडिया इज अ प्रॉपर नाउन चाइना इज अ प्रॉपर नाउन दू एस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज अ प्रॉपर नाउन सो ऑल दीज ए proper nouns now let's look at city city is also same thing city कोई भी सिटी हो सिटी ही बोलते हैं उसको तो वो एक कॉमन नाउन हो गया बट स्पेसिफिकली अगर हम सिटी का एक नाम देते हैं जैसे है हैदराबाद है लखनऊ है बैंगलोर है मुंबई है तो ये सब जो वर्ड्स है ये दीज आर ऑल यू नो प्रॉपर नाउंस महाराष्ट्र तेलंगाना तमिलनाडु यू नो छत्तीसगढ़ ऑल दीज अगेन बिकम प्रॉपर नाउ्स ऑफ स्टेट स्टेट जो है वो कॉमन नाउन हो जाएगा दैन स्पेसिफिक कॉलोनीज जैसे आपके घर के पास कॉलोनीज होते हैं यू नो ए सी कॉलोनी आर टी सी कॉलोनी तो इस प्रकार से जो कॉलोनी नेम्स होते हैं स्ट्रीट्स होते हैं यू नो ऑल दीज ऑल्सो कमांडर प्रॉपर नाम क्यों स्ट्रीट uh, जो है वो कॉमन नाम है कोई भी स्ट्रीट को स्ट्रीट ही बोलते हैं बट उस पर्टिकुलर स्ट्रीट को अगर हम लोग एम जी रोड इस प्रकार से कोई रोड का नाम देते हैं पी जी रोड तो उस प्रकार से वो पर्टिकुलर रोड का नाम जो हो जाता है दैट बिकम्स अ प्रॉपर नाम अर्थ प्लानट इज अ कॉमन नाउन क्योंकि अर्थ को भी प्लान बोलते हैं मार्स को भी प्लानट बोलते हैं मर्क्यूरी को भी प्लान बोलते हैं तो वह सब कॉमन नाउन हो जाते हैं तो अर्थ मार्स वीनस जुपिटर ये जो है वो प्रॉपर नाउस है सन मून ओके नाउ स्टार ऑल्सो स्टार में भी अपोलो अगर आप स्टार लेते हो दैट इज द प्रॉपर नाउन ऑफ द वर्ल्ड स्टार स्टार अदरवाइज इज अ कॉमन नाम कोई भी स्टार को स्टार ही बोलते हैं बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स तो बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स के फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुके दर्ड मॉन्यूमेंट तो चार मीनार ले लो मॉन्यूमेंट है ताजमहल ले लो मॉन्यूमेंट है तो so, मॉन्यूमेंट्स जो है वो कॉमन नाउन हो जाता है and if you give a specific name to the monument like Taj Mahal, Charminar, you know all these, there Qutub Minar, तो ये monuments जो हैं वो हो जाते हैं proper nouns like Taj Mahal, Charminar etc. building names भी अगर एक word building लेते हैं हम लोग या apartment एक name लेते हैं वो common nouns हैं तो उनका अगर एक specific नाम है you know A B C apartments या फिर कोई specific building है कि ये high tech uh, city towers हैं तो या साइबर टावर्स तो इस प्रकार से जो नेम्स देते हैं उनको प्रॉपर नाउंड बोलते हैं एंड देन ऑर्गेनाइजेशंस तो द वर्ड ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज अगेन अ कॉमन वर्ड गूगल भी एक कंपनी है कॉग्निसन uh, भी एक कंपनी है एप्पल uh, भी एक कंपनी है रिलायंस इज अ कंपनी सो कंपनी कैन बी अ कॉमन नाउन तो उस पर कौन भी कंपनी का जो एक स्पेसिफिक नेम होता है लाइक गूगल इज अ a uh, proper noun uh, apple is a proper noun reliance is a proper noun and itc is a proper noun so all these are examples here next common nouns so before we discuss this uh, so what is a common noun then what as, uh, as far as what we have understood what is a common noun a common noun is anything that is Okay, a commoner is a common name given to a similar set of organisms, places, objects, feelings, attributes, state of mind, or stages of life. Organisms like animal, bird, insect, mammal, reptile, human, monkey, lion, lizard, crow, grasshopper, ant, to. हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं कि कॉमन नाउन जो है वो कॉमन नेम है जो इसके पहले वाले स्लाइड में भी हमने यही डिस्कस किया है उसी प्रकार से कोई भी ऑर्गेनिज्म हो ये सारे जो है वो कॉमन हो जाते हैं कोई भी एनिमल को एनिमल ही बोलते हैं कोई भी मैमल हो सो वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज डू नॉट गेट कन्फ्यूज ह यहाँ पे बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है लायन जो है वो प्रॉपर नाउन नहीं है क्यों क्योंकि हर लायन को हम लायन ही बोलते हैं

लायन जो वो हर लायन लायन ही होता है तो वो कॉमन नाउन हो जाता है उसी प्रकार से एक मैमल मैमल जो है वो कॉमन नाउन है क्योंकि कोई भी मैमल हो वो चाहे ह्यूमन बींग हो एक वेल uh, हो या फिर एक हिपोपोटोमास ऑल दीज आर अगेन मैमल्स विच अगेन आर कॉमन नाम्स प्लेसिस वी जस्ट डिस्कस सो रिवर्स सो लेट्स ए द वर्ड रिवर इज अ कॉमन नाम गंगा ब्रह्मपुत्रा ऑल दीज आर प्रॉपर नाउन् सी इज ऑल्सो कॉमन नाउन एंड यू नो अरेबियन सी बे ऑफ बेंगाल ये सब जो है वो प्रॉपर नाउन्स हो जाते हैं स्पेसिफिक नाउन्स हो जाते हैं देन ऑब्जेक्ट्स लैपटॉप बस कार पेंसिल वॉच एक्सेट्रा नाउ लेट्स लुक एट ट्रेन फॉर एग्जाम्पल तो अगर आप ट्रेन की बात करते हो तो अगर यू नो देस अ ट्रेन चेन्नई एक्सप्रेस तो चेन्नई एक्सप्रेस की बात जब आप करते हो तो वो चेन्नई एक्सप्रेस जो है वो एक प्रॉपर नेम दिया है उस पर्टिकुलर ट्रेन को सो so, ट्रेन के ऊपर आपको नंबर्स भी दिखते हैं जब आप बुकिंग्स करते हो uh, तो दैट पर्टिकुलर नंबर ऑफ दैट ट्रेन बिकम्स और द वर्ड चेन्नई एक्सप्रेस बिकम्स अ प्रॉपर नाम और जो ट्रेन वर्ड है वो हो जाता है कॉमन नाम लेट्स केट मोर कॉमन नाउंस सो कॉमन नाउंस जो है उसमें एक और आपको एक स्मॉल सिंपल सी चीज़ और देर आर काउंटेबल नाउंस एंड देर आर अनकाउंटेबल नाउंस ऑल्सो सो काउंटेबल नाउन का मतलब क्या होता है कोई भी चीज़ आपको आप जिसको काउंट कर सकते हो एनी थिंग दैट यू केन काउंट इज़ अ काउंटेबल नाउन एंड एनी थिंग दैट यू केन नॉट काउंट इज अ इज एन अनकाउंटेबल नाउन तो बहुत सारे यू नो स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि स्टार्स किस में आते काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स स्टार्स आर काउंटेबल नाउन्स क्यों क्योंकि हम उसको प्लूरल में यूज कर सकते हैं आई कैन सी टू स्टार्स इन द स्काई टुडे आई कैन सी थ्री स्टार्स इन द स्काई टुडे देर आर सेवन स्टार्स इन द कॉन्स्टलेशन सप्तऋषि सो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं स्टार्स को काउंट कर रहे हैं बट क्या हम सभी स्टार्स को काउंट कर सकते हैं नहीं क्यों क्योंकि वो इतने सारे हैं कि हम उनको काउंट नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट है फॉर एग्जाम्पल अगर हम वर्ल्ड की पॉपुलेशन को ले लेते हैं अगर इंडिविजुअल काउंटिंग नहीं होती वर्ल्ड की तो हमको एक अप्रॉक्सीमेट नंबर ही मिल पाता है तो वर्ल्ड में क्या हर इंसान को हम काउंट कर सकते हैं नहीं बट कैन वी नॉट काउंट ह्यूमन बींग्स येस वी कैन सो दैट इज वाई काउंटेबिलिटी एंड अनकाउंटेबिलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन वेदर वी कैन फिनिश द काउंटिंग ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स और नॉट फॉर एग्जाम्पल अगर आप आ, कोई भी एक यू नो ग्रेन्स को खरीदते हो जैसे चावल है क्या आप चावल को काउंट कर सकते हो बिल्कुल काउंट कर सकते हो आप एक एक ग्रेन ऑफ चावल को लेकर काउंट कर सकते हो बट क्या आप जो खाते हो उस चावल को काउंट कर सकते हो नहीं तो आप हाउ डू यू ईट राइस यू ईट वन कप राइस वन बोल ऑफ राइस वन प्लेट ऑफ राइस बट यू कान्ट ईट टू राइसेस थ्री राइसिस इस प्रकार से हम काउंट नहीं कर सकते हैं. उसी तरह से वाटर

उस सेशन में हम लोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स की और एक्सप्लेनेशन समझेंगे बट टुडे सेशन वी आर ओनली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउंस सो लेट्स लुक एट कॉमन नाउंस हियर सो इट्स ऑक्स ऑक्सन तो सिंगुलर और प्लूरल जो कॉमन नाउंस के होते हैं वो हर बार जो है वो एस से नहीं एंड होता है फॉर एग्जाम्पल स्टार स्टार्स सो इट्स नॉट नेसेसरी दैट एवरी टाइम यू हैव द वर्ड स्टार इट एंड्स एंड Uh, you know, it's uh, S like stars, or you know, person persons, or you know, uh, fruit fruits, or uh, uh, monkey monkeys, lion lions. ओके okay, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो है एक वर्ड जो है वो हर बार एस साउंड और एस लेटर के साथ एंड हो जो भी वर्ड का लास्ट लेटर होता है दैट डिटरमाइंस वॉट वर्ड इज़ बींग यूज इन द प्लूरल सेंस तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है लेट्स क्विकली डिस्कस दें ऑक्स जो है वो एक्स से एंड हो रहा है तो उसका प्लूरल है ऑक्सन और बॉक्स जो है वो भी एक्स से एंड हो रहा है फॉक्स जो है वो भी एक्स एंड हो रहा है बट इसका प्लूरल हो गया है बॉक्सेस फॉक्सेस सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर हम लोग बॉक्सेन, ऑक्सेन नहीं बोलते हैं तो ये एक क्या हो गया एक्सेप्शन हो गया है सो दिस इज स्पेशल केस सो यू नीड टू रिमेंबर कि जब भी आप सिंगुलर प्लूरल सीखते हो तो उसमें जो है स्पेशल केसेस होते हैं जिनको आपको याद रखना पड़ेगा यू नीड टू बाई हार्ट दी स्पेशल केसेस सो देर आट मेनी स्पेशल केसेस तो थोड़े जो आप कॉमनली यूज करते हो उनको आप याद रख लोगे तो देट्स गुड एनफ सो वी लुक एट ऑक्स सिंगुलर द प्लूरल ऑफ ऑक्सिस ऑक्स एंड देन लेट्स ओके नाइफ दिस इज एंडिंग विद वर्ड एफ ई तो इसका प्लूरल हो गया नाइफ्स

सिर्फ ये फोर वर्ड्स हैं जिनके प्लूरल में दो दो यूसेज हैं दो दो प्लूरल्स हैं इनके तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस लेट्स स्टार्ट विद फ्रूट तो प्लीज़ रिमेंबर कि जब भी हम एक वैरायटी ऑफ फ्रूट्स की बात करते हैं फॉर एग्जांपल इफ़ देर आर टेन मैंगोज ऑन द टेबल हम उसको बोलेंगे देर आर टेन मैंगो फ्रूट ऑन द टेबल और टेन मैंगोज ऑन द टेबल अगर हमको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है तो इट्स सिंपल टू से देर आर टेन मैंगोज ऑन द टेबल बट अगर हमको समझना है कि फ्रूट बोलते हैं या फ्रूट्स बोलते हैं तो प्लीज़ रिमेंबर कि जब एक ही वैरायटी के फ्रूट होती है वो चाहे मैंगोज़ हो बनानाज हो एप्पल्स हो कोई भी फ्रूट हो अगर एक ही प्रकार के बहुत सारे रहते हैं तो उसका प्लूरल भी फ्रूट ही होता है वी डू नॉट यूज़ द वर्ड फ्रूट्स सो वन वराइटी फ्रूट

Uh, वो टेन मैंगोज है टेन एप्पल्स है टेन बनानाज है बहुत सारे थर्टी फ्रूट्स हैं टेबल पे सो देन वी से देर आर फ्रूट्स ऑन द टेबल तो इस बार हमने फ्रूट्स क्यों यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वरायटी है सो वेन एवर यू हैव अ वराइटी ऑफ फ्रूट्स ऑन टेबल ऑफ वॉट एवर यूर टॉकिंग अबाउट जब वराइटी रहती है फ्रूट्स में तब हम उसको फ्रूट्स बोलते हैं जब एक ही प्रकार के रहते हैं तब हम लोग प्लूरल में भी वी यूज द वर्ड फ्रूट विदाउट एस सेम लॉजिक गोज़ विथ फिश ऑल्सो सो फिश फिश तो जब एक ही वराइटी की फिश है जैसे अगर मेरे एकवेरियम में आ, दस गोल्ड फिश हैं तो ऑल ऑफ देम आर गोल्ड फिश सो so, टेन सारे एक ही स्पीशीज़ के फिश हैं एक ही वराइटी के फिश हैं तो मैं क्या बोलूँगी देर आर टेन फिश इन माई एक्वेरियम सो अगर मेरे एकवेरियम में दो शार्क्स हैं तो मैं क्या बोलूँगी देर आर टू फिश इन माई एक्वेरियम आई विल नॉट से फिशेज़ तो फिशेज़ कब यूज़ करते हैं जैसे हमने यहाँ पे फ्रूट्स यूज़ किया है वराइटी के लिए उसी प्रकार से फिश यूज़ होता है वराइटी के लिए तो वैन आई यूज़ अ वर्ड फिश आई एम बेसिकली टॉकिंग अबाउट वराइटी ऑफ फिशेज तो वैन देर आर अलॉट ऑफ फिशेज फॉर एग्जाम्पल मेरे एकवेरियम में दो शार्क्स है दो गोल फिश है और कुछ और फिश भी है क्लाउन फिश पाफो फिश So when i have let's say variety of fish in my aquarium then i say there are 10 fishes in my aquarium एक्वेरियम इसीलिए जब भी हम uh, river हो गया है uh, sea हो गया है ocean हो गया है इनकी बात करते हैं तो हम हमेशा use करते हैं fishes और जब एक्वेरियम और फिर जब uh, कोई मार्केट से फिश खरीदता है उस समय हम यू फिश यूज़ करते हैं क्योंकि हम एक ही वरायटी की बात कर रहे हैं लेट्स at द नेक्स्ट पार्ट नॉ पीपल पीपल्स यहाँ पर फ्रूट और फिश में तो बहुत ईजी था फ्रूट्स जो है वो वराइटी हमको पता है एपल्स हैं मैंगोज है वो अलग अलग हैं तो हमको ईजी हो जाएगा अगर एप्पल और मैंगो साथ में रहेंगे तो उसको फ्रूट्स बोलना है और सिर्फ एप्पल है या सिर्फ मैंगोज है तो उनको फ्रूट बोलना है बट फिश में भी ये बहुत ईजी है अगर सिर्फ एक ही प्रकार की फ़िश है शाक है तो हम उनको फिश बोलेंगे अगर बहुत सारे वैरायटी ऑफ फ़िश है तो फिशेस हैं तो उनको फिशेस बोलेंगे तो ये दोनों तो हमारी बहुत इजी है याद रखना तो इसका क्या कर सकते हैं तो पीपल पीपल्स तो बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि देर इज़ अ वर्ड एज पीपल्स और लोग पीपल्स भी यूज़ करते हैं बट दस अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर कभी आपके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पैसेज में एग्जाम में ये वर्ड दिख जाता है या फिर ग्रामीण uh, ग्रामर के करेक्शन एरर करेक्शन में आपको ये पर्टिकुलर वर्ड दिखता है या कभी आप कहीं पे पढ़ते हो एडिटोरियल्स में या न्यूज़पेपर्स या मैगज़ीन्स में यू शुड नॉट बी कन्फ्यूज सो वॉट डज दिस मीन सो बेसिकली इंसान जो हो है एक पर्टिकुलर रीजन को बिलोंग करते हैं तो वो उस रीजन की एथनीसिटी बन जाती है एथनिसिटी का मतलब होता है रेस आप कहाँ के हो दैट पर्टिकुलर ट्रेस इज वॉट इज एथनीसिटी और रेस ऑफ अ पर्सन सो रेस क्या होता है फॉर एग्जाम्पल चाइना के लोग चाइनीज पीपल इंडियंस आर इंडियन इंडिया के लोग इंडियंस है जापान Jap के लोग जापनीज है सो so इस प्रकार से एंड वॉट यू कॉल पीपल ऑफ़ ब्रिटेन और इंग्लैंड इंग्लिश पीपल सो बेसिकली इस प्रकार से जो रेस है एथनिसिटी है जैसे uh, अफ्रीका के लोगों को एफ्रीकन्स बोलते हैं देन यू हैव पीपल फ्रॉम मेक्सिको साउथ अमेरिका उनको हिस्पैनिक्स बोलते हैं देन यू हैव यूरोपियंस जो प्रॉपर ग्रीक और यू नो ग्रीस और इटली के लोग होते हैं उनको हम यूरोपियंस बोलते हैं प्रॉपर सो so, इस प्रकार से जो ये यू नो एथेनिसिटी का डिविजन होता है अरब्स हैं ओके सो पीपल ऑफ़ द मिडल ईस्ट आर अरब्स, सो इस प्रकार से फॉर एग्जांपल यू हैव जूस पीपल फ्रॉम, यू नो दिस प्लेस इज़राइल आर जूस सो इस प्रकार से जब हम लोग डिवाइड करते हैं उनके रेस को uh, जर्मनी के लोग जर्म्स सो so इस प्रकार से जब हम लोग डिवाइड करते हैं ईच पर्टिकुलर रेस को हम लोग सिंगुलर uh, में यूज करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ऑल जैपनीज पीपल आर पीपल सो इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल जहाँ पर सिर्फ जापान के लोग हैं तो मैं उनको पीपल बोलूँगी इसीलिए हमारा मोस्ट कॉमन यूसेज होता है पीपल क्योंकि हम जब इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की सारे लोगों को इंडियंस ही हैं तो हम उनको पीपल ही बोलते हैं तो उसी प्रकार से जो भी जहाँ जगह की वो न एथेनिसिटी है उस प्रकार से हम पीपल वर्ड यूज करते हैं बट लेट्स से देर इज़ अवज गैदरिंग कोई एक यू uh, नो you know, बहुत बड़ी सी ओलंपिक्स uh, गेम्स चल रहे हैं तो ओलंपिक्स देखने के लिए हर एक देश के लोग हर एथनिसिटी के लोग जाते हैं तो अगर आप भी टिकट खरीद के जाओगे तो वहाँ पे इंडियंस हो गए तो चाइना से लोग आते हैं जापान से लोग आते हैं इटली से लोग आते हैं जर्मनी से लोग आते हैं सो हर जगह से लोग आते हैं वो पर्टिकुलर गेम्स देखने के लिए ओलंपिक गेम्स देखने के लिए तो जब स्टेडियम की बात होती है सो वी कैन यूज अ वर्ड पीपल्स ऑफ द स्टेडियम क्यों क्योंकि वहां पर सिर्फ एक वराइटी एक एथनिसिटी के लोग नहीं है बट बहुत सारे जगहों के लोग हैं तो एक जगह एक एथेसिटी के लोगों को हम पीपल बोलते हैं और मल्टीपल जगह और मल्टीपल एथनिसिटी के लोग जब एक साथ आते हैं उसको हम पीपल्स बोलते हैं सो दैट इज द मेजर डिफरेंस है ना

सो ह्यर आई एम टॉकिंग अवर्ट पीपल्स क्यों क्योंकि एशिया में इंडियंस uh, भी रहते हैं साउथ uh, कोरियंस रहते हैं यू नो यू नो एशिया में मिडल ईस्ट भी आती है एशिया में ही सो ऑल दीज पीपल आर ऑल्सो इन एशिया सो यूज वट पीपल्स ऑफ एशिया हैव गुड रेटाइज विद द यू एस देर आर थ्री मैंगोज ऑन द टेबल देर आर थ्री मैंगो फ्रूट ऑन द टेबल तो द डिफरेंस हेयर इज यहाँ पे थ्री मैंगोज भी बोल सकते हैं या फिर अगर सारे मैंगो एक ही वैरायटी के हैं तो हमने लिखा है मैंगो फ्रूट ऑन द टेबल देर आर थ्री मैंगोज एंड टू बनाना ऑन द टेबल और देर आर फाइव फ्रूट्स ऑन द टेबल तो इसमें क्या हो रहा है यहाँ पे थ्री मैंगोज और टू बनाना है ऑन द टेबल देर आर फाइव फ्रूट ऑन द टेबल सो इफ आई एम टॉकउट फाइव फ्रूट क्यों यूज कर रहा हैं क्योंकि उसमें मैंगोज और बनाना मिक्सड हैं मतलब वराइटी है देर आर फाइव फिश इफ ऑल आर ऑल फिश आर क्लाउन फिश क्लाउन फिश एक प्रकार का फिश होता है तो अगर सारे फाइव फिश जो है वो क्लाउन फिश है तो हम यूज करते हैं फिश इन दियम इवन इफ देर आर फाइव देर आर फाइव फिशज इन द एकवेरियम इफ़ देर आर फाइव डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फिश अगर यही फाइव फिश जो है वो एक गोल्ड फिश एक क्लाउन फिश एक शार्क एक पाफो फिश और एक आ, कुछ और प्रकार का फिश हुआ सैलमन फिश फॉर एग्जाम्पल देन वी यूज़ द वर्ड फिशेस हर सो दिस इज़ वॉट यू नीड टू रिमेंबर लेट्स लुक सम मोर वर्ड्स तो यहाँ पे और सिंगुलर और प्लूरल वर्ड्स हम लोग डिस्कस करते हैं स्पीशीज़ एक ऐसा वर्ड है तो so, स्पीशीज़ है डियर है शीप है और हेयर है ये फोर वर्ड्स जो है उसकी स्पेलिंग सिंगुलर हो या प्लूरल हो उसकी स्पेलिंग नहीं चेंज होती है तो ये भी एक स्पेशल नाउंस uh, है, जिसमें वो चाहे सिंगुलर में यूज़ करें या प्लूरल में यूज़ करें इन वर्ड्स की ये फोर वर्ड्स जो है इनकी जो स्पेलिंग है वो चेंज नहीं होती है सो स्पीशीज सिंगुलर प्लूरल इज़ ऑल्सो स्पीशीज डियर इज सिंगुलर डियर इज़ ऑल्सो प्लूरल शीप इज सिंगुलर शीप इज़ ऑल्सो प्लूरल हेयर इज सिंगुलर हेयर इज ऑल्सो प्लूरल तो हम स्पीशी कभी नहीं बोलते हैं क्योंकि स्पीशी इज अ नॉन एग्जिस्टेंट वर्ड ऐसी कोई वर्ड है ही नहीं जैसे स्पीशी वो हमेशा स्पीशीज़ है वो चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो वो उसकी स्पेलिंग सेम रहेगी वो चेंज नहीं होगा डियर सो so हम डियर्स कभी नहीं बोलते हैं डियर का प्लूरल भी डियर ही होता है जैसे शीप्स कभी नहीं बोलते हैं शीप का प्लूरल हमेशा शीप ही होता है इसमें एक और वर्ड ऐड कर सकते हैं पोलिस और कैटल तो कैटल जो वर्ड है वो भी हमेशा कैटल ही रहता है सिंगुलर हो या प्लूरल हो उसमें हम कभी एस नहीं ऐड करते हैं सो नेवर से कैटल्स वी ऑलवेज से कैटल और पोलिस भी हम कभी पोलिसिस नहीं बोलते हैं अगर हमको काउंट करना है पोलिस को तो क्या बोलते हैं पोलिसमैन वन पोल मैन टू पोलिसमैन थ्री पोलिस मैन सो दैट इज वॉट यू नीड टू रिमेंबर तो पोलस और कैटल जो है वो कभी भी प्लूरल नहीं होता है जैसे ये वर्ड्स भी उनकी स्पेलिंग सेम रहती है वो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो हेयर को भी हम कभी हेयस नहीं बोलते हैं ना चाइल्ड चिल्ड्रन स्टोरी अगर वाई से एंड होता है तो ये एंड होगा प्लूरल आई ई एस से पिलो पिलोस सो so, यहाँ पे हमने सिर्फ एस ऐड किया है सो यू नीड टू रिमेंबर ये जो पिलो है बेड शीट है बेड है वॉल है स्विच बोर्ड ऑल दीज आर तो कॉमन नाम्स कोई भी बेड शीट हो हम बेड शीट ही बुलाते हैं उसको कोई भी डोर हो डोर ही बोलते हैं हम उसको कोई भी स्विच बोर्ड हो उसको स्विच बोर्ड ही बोलते हैं हम उसको सो ऑल दीज आर कॉमन नाम्स सिंगुलर ट्राउजर्स प्लूरल ट्राउजर्स तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉलम है इसमें जो भी वर्ड्स हमने लिस्ट आउट किया है ये सारे वर्ड्स जो है वो सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी उनकी स्पेलिंग सेम रहेगी तो आप कभी नहीं बोल सकते हो ट्राउज़र आप कभी नहीं बोल सकते हो पैंट आप कभी नहीं बोल सकते हो जीन आप कभी नहीं बोल सकते हो शॉर्ट आप कभी नहीं बोल सकते हो सीजर आप कभी नहीं बोल सकते हो स्पेक्टिकल या ग्लास आप कभी नहीं बोल सकते हो गॉगल यू कैन नेवर से बाइनोक्यूलर सो ऑल दीज वर्ड्स वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल आर ऑलवेज यूज विथ एस ये क्यों होता है क्योंकि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है जो अपर पोर्शन है उसको हम लोग टो बोलते हैं सो द वर्ड टोर्सो मीन पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड लेग्स पार्ट ऑफ योर बॉडी तो जब हम लोग लेग्स यूज करते हैं टॉर्सो टॉर्सो कितना प्लुरल नहीं है सिंगुलर है सो द वर्ड टॉर्सो इज सिंगुलर इसीलिए जो भी हम लोग ऊपर में पहनते हैं शर, टी -शर, शर्ट शर्ट यू नो एनी ऑफ दीज थिंग्स ऑल ऑफ दीज बिकम सिंगुलर उसमें हमको प्लूरल uh, रख सकते हैं अगर हम अलग से बात करें शर्ट्स टी शर्ट्स एक्सेट्रा बट जो बॉटम वेयर है क्योंकि हमारी बॉडी का यू नो डिविजन ही उस प्रकार से हुआ है कि हम लेग्स को एक यू नो सेकेंड हाफ ऑफ द बॉडी मानते हैं तो लेग्स क्या है सिंगुलर है प्लूरल है प्लूरल है इसीलिए इन सब वर्ड्स का सिंगुलर नहीं होता है ये सब हमेशा जो है प्लूरल में ही यूज़ करते हैं तो क्या होगा ये माई ट्राउजर्स आर ऑन द बेड माई पैंट्स आर ऑन द बेड माई शॉर्ट्स आर ऑन द बेड सो इस प्रकार से कोई भी वर्ड हो हम उसको प्लूरल में ही यूज़ करते हैं उसका कोई सिंगुलर यूसेज नहीं होता है सिजर्स तो हमेशा हम सिज़र्स को सिज़र्स ही बोलते हैं सिज़र कभी नहीं बोलते हैं बायनोक्युलर्स क्या होते हैं बायनोक्युलर्स uh, का मतलब होता है दूरबीन सो so, दूरबीन हमेशा दो होते हैं ऐसे अटैच्ड तो इसको ऐसे इस प्रकार से रख के हम देखते हैं तो वो दो चीजें हैं दोनों आंखों के लिए दैट इज वाइट अगेन प्लूरल इसीलिए वो हमेशा प्लूरल है अगर वो कोई सिंगल चीज है जैसे हम आपने मूवीज में देखा होगा सेलर्स जब शिप्स में बोट्स में जाते हैं तो उनके पास एक सिंगल वो रहता है दूरबीन जिससे वो दूर तक देखते हैं उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं मोनोक्यूलर बी आई बाई का मतलब होता है मोनो का मतलब होता है वन सो मोनोक्यूलर जो है वो एक सिंगल दूरबीन होता है बायनोक्युलर्स जो है वो डबल दूरबीन होता है सो बायनोक्युलर्स इज ऑलवेज प्लूरल नेवर यूज इन सिंगुलर ट्राउजर्स तो इफ आई फॉर एग्जाम्पल इफ आई से प्लीज पास मी माई ट्राउजर देर अ हाफ अ चांस दैट द पर्सन वुड स्प्लिट दैट ट्राउजर इन टू टू हाफ एंड गिव यू ओनली वन हाफ ऑफ इट अगर आपने किसी से सिज़र दो मांगा तो सिजर्स में दो रहते हैं तो उसको तोड़ के एक ही मिलेगा आपको क्यों क्योंकि आपने सिर्फ सीजर बोला है सो so, कोई भी चीज़ आप जब बात करते हो इनका तो ये ध्यान में रखिए कि जो भी चीज़ें ड्यूअल होती है जैसे लेग्स जैसे सीजर्स तो वो दो इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो साथ में बने हुए हैं टू हैव एन एक्शन तो इसीलिए वो सारे वर्ड्स जो ऐसे होते हैं उनको हम प्लूरल में ही यूज़ करते हैं सिंगुलर में नहीं यूज करते हैं तो कैसे काउंट करते हैं उनको लेट्स इट इन द नेक्स्ट स्लाइड सो प्लीज़ रिमेंबर इवन द वर्ड गॉगल वी डो नॉट यूज़ अ वर्ड गॉगल एट ऑल वी हैव टू यूज अ वर्ड गॉगल्स तो एक यू नो फन फैक्ट दैट यू कैन रिमेंबर यूरस द वर्ड spectacle. Spectacle means एनीथिंग which इज़ ब्रिलियंट कोई भी चीज़ बहुत शानदार हो उसको हम स्पेक्टिकल बोलते हैं ब्रिलियंट ग्रैंड ओके सो ऐसी चीज़ को हम स्पेक्टिकल बोलते हैं जिसको आपको देखने की इच्छा हो बाय गॉगल uh, का मतलब होता है किसी को घूर के देखना सो so, गॉगलिंग का मतलब होता है स्टेयरिंग एट साम्बी सो द वर्ड गॉगल चेंजेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड गॉगल का मतलब फिर ये ग्लासेस नहीं होंगे गॉगल का मतलब होता है किसी को घूर के देखना उसी प्रकार से स्पेक्टिकल का मतलब होंगे स्पेक्टिकल का मतलब होता है कोई भी चीज जो शानदार हो सो प्लीज रिमेंबर वैन यूर यूजिंग दीज वर्ड्स, इफ यू यूज देम इन सिंगुलर यू आर चेंजिंग द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, सो प्लीज डू नॉट यूज एनी ऑफ दीज वर्ड्स इन सिंगुलर ऑलवेज यूज दैम एन प्लूरल ओनली एग्जाम्पल सेंटेंसेस तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं जिसमें आपके कोई भी डाउट हो तो क्लियर हो जाएंगे फर्स्ट सेंटेंस देर आर टेन शीप ग्रेजिंग ऑन द फील्ड टेन शीप प्लूरल है फिर भी हमने लिखा शीप देर इज अ शीप ग्रेजिंग ऑन द फील्ड सिंगुलर है फिर भी हमने लिखा शीप देर आर टेन डियर इन द फॉरेस्ट हमने लिखा डियर देर इज अ डियर इन द फॉरेस्ट हमने फिर से लिखा डियर देर आर टेन मिलियंस ऑफ मेरीन स्पीशीज इन द वर्ल्ड सो यहाँ पे स्पीशीज कितने हैं मिलियंस मतलब प्लूरल फिर भी स्पेलिंग क्या लिखा हमने स्पीशीज ही द साइंटिस्ट येज डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीशीज ऑफ स्नेक्स यहाँ पे कितने स्पीशीज़ हैं वन स्पीशीज अ न्यू स्पीशीज तो यहाँ पर कितने हो गए सिर्फ एक फिर भी हमने स्पेलिंग क्या लिखा स्पीशीज़ ही लिखा है स्पीशी नहीं लिखा यहाँ पर दीज आर माई न्यू बायनोक्युलर्स हमने यहाँ पर क्या स्पेलिंग लिखा बायनोक्युलर्स और यहाँ पर वर्ब भी हमने आर यूज़ किया हम वी कैनॉट से दिस इज माई बायनोक्युलर इट्स रॉन्ग अगर वो सिंगुलर है तो उसको मोनॉक्यूलर बोलते हैं नॉट बाक्यूलर मोनोक्यूलर इज एम ओ एन ओ सी यू एल ए आर माई ट्राउजर्स आर ऑन द बेड माई जीन्स आर हैंगिंग बिहाइंड द डॉ ओके तो इस प्रकार से हम इनको भी प्लूरल में ही यूज करते हैं माई ट्राउजर्स आर ऑन द बेड माई जीन्स आर हैंगिंग बिहाइंड द डॉ ना लेट्स सु दिस सेंटेंस माई स्पेक्टिकल्स आर ऑन द टेबल माई गॉगल्स आर ब्लैक इन कलर तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं उनको प्लूरल में ही यूज़ कर रहे हैं उनको कभी सिंगुलर में नहीं यूज़ किया जाता है आई हैव टू पैर्स ऑफ सीजर्स ना अभी आपका ये डाउट क्लियर हो जाता है यहाँ पर कि हमको अगर काउंट करना है जैसे अगर मेरे पास एक नहीं बल्कि बहुत सारे पैंट्स है बहुत सारे ट्राउजर्स है तो मैं कैसे काउंट करूँ या कैसे बताऊँ उनके बारे में सो वेरी सिंपल यू जस्ट हैव टू यूज अवर पैर क्यों क्योंकि पैर का मतलब होता है टू तो पैर भी अपने कितने हैं दो पैर हैं तो इसीलिए हम बोलते हैं आई हैव टू पेर्स ऑफ सीजर्स

यू कैनॉट बाई वन शू यू हैव टू ऑलवेज बाई शूज तो इसको हमेशा हमको प्लूरल में यूज़ करना है आई आई हैव टू पेयज ऑफ सॉक्स यू कैन से हैव अ सॉक सॉक सिंगुलर यूज कर सकते हैं जैसे कि अगर आपके घर uh, पर सॉक्स uh, गुम हो जाते रहते हैं हमेशा तो यू कैन से आई कान फाइन माई सॉक आई हैव ओनली वन सॉक विथ मी तो इस प्रकार से अगर आप के घर में ग्लव्स जैसे गुम हो जाते हैं एक तो यू कैन से आई हैव ओनली वन ग्लव विथ मी ना तो शूज़ ग्लव्स और सॉक्स में जो एक्सेप्शन हो सकता है वो ये है कि जब आपको यूज़ करते हैं उनको और जब ख़रीदते हो तब हमेशा प्लूरल होते हैं बट कोई कोई सिचुएशंस में अगर आप उनको सिंगुलर यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो फॉर एग्जांपल माय डॉग इज़ चूइंग माय शू तो वहाँ पे एक ही शू को चू कर रहा है डॉग सो so, वहाँ पे हम सिंगुलर यूज कर सकते हैं बट ये जो वर्ड्स है हमने जहाँ जो वर्ड्स यहाँ पे डिस्कस किया है उनको हम कभी भी सिंगुलर में नहीं यूज़ कर सकते हैं द गॉड्स आर ब्लेसिंग अस थ्रू रेन्स द गॉड इज़ ब्लेसिंग अस थ्रू रेन्स तो यहाँ पे हमने गॉड जो है वो दो प्रकार से लिखा है तो एक बहुत बड़ी चीज़ जो आप नोटिस करोगे यहाँ पे वो ये है कि यहाँ पे गॉड्स जो है वो स्मॉल जी से लिखा है और यहाँ पे गॉड जो है हमने कैपिटल जी में लिखा है तो ये डिफरेंस क्या है यहाँ पे कैपिटल जी में जो गॉड होता है वो सिंगल गॉड होता है तो ऐसे रिलीजन्स में जहाँ पे, पे सिर्फ एक ही भगवान पे विश्वास करते हैं ऐसे रिलीजन्स में जहाँ पे बहुत सारे भगवान पे नहीं विश्वास करते हैं। वो रिलीजन्स में वो लोग गॉड को कैपिटल जी के साथ लिखते हैं क्यों वहाँ पे प्लूरल नहीं होता है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक भगवान पे विश्वास करते हैं पर ऐसे रिलीजन् जहाँ पे बहुत सारे भगवान पे विश्वास करते हैं ऐसे रिलीजन् जिसमें बहुत सारे भगवान होते हैं वो रिलीजन में गॉड को स्मॉल जी के साथ लिखते हैं और उसमें हम हम लिख सकते हैं सिंगुलर और प्लूरल सो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो गॉड जो कैपिटल जी में है वो प्लूरल नहीं होता है उसमें भी गॉड ही होता है सिर्फ एक भगवान और गॉड God, गॉड्स जो हमने स्मॉल जी में लिखा है इसका मतलब होता है कि बहुत सारे भगवान हैं तो ये उस रिलीजन के ऊपर डिपेंड करता है जिसमें हम यूज करते हैं सो दीज आर सम ऑफ एग्जांपल एग्जाम्पल फॉर दिस स्लाइड। ओके लेट्स मूव टू मोर एग्जाम्पल्स तो हम थोड़े और एग्जाम्पल्स देखते हैं यहाँ पे सिटी फिर से वाई से एंड हुआ है तो हमने लिखा आई ई एस वुमेन या मैन जो भी वर्ड हो एम ए एन एम ई एन प्लूरल पोलिस मैन फायर मैन आर्मी मैन तो सभी चीज़ें सेम लॉजिक यूज करते हैं टूथ टीथ माउस माइस गूस गीस लोफ लोव्स तो ये लीफ के जैसे लीफ लीव्स वैसे ही लोफ लोफ का क्या मतलब होता है जो एक ब्रेड बिना कट का, काटा का हुआ जो ब्रेड एक रहता है उसको एक लोफ ऑफ ब्रेड बोलते हैं ग्रेन ग्रेन्स पोटेटो पोटेटोस कैक्टस कैक्टाई तो ये थोड़े एक्सेप्शन है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा बाई हार्ट करना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा कैक्टिस सिंगुलर है कैक्टाई प्लूरल है फंगस सिंगुलर है फंगाई प्लूरल है फुट सिंगुलर है फीट प्लूरल है न्यूक्लियस सिंगुलर है न्यूक्लियाई प्लूरल है ओएसिस सिंगुलर है ओएसिस प्लूरल है ओएसिस ओएसिस क्या होता है छोटा सा बॉडी जो डेजर्ट में रहता है उसको ओएसिस बोलते हैं तो उसका प्लूरल होता है ओएसिस सी सीस सो दिस इज समथिंग विच यू नीड टू रिमेंबर ये सब कॉमन नाउंस है स्पेशल कॉमन नाउंस फर्नीचर तो ये वर्ड्स जो होते हैं फर्नीचर मशीनरी इक्विपमेंट एयरक्राफ्ट वर्क होमवर्क ज्वेलरी तो ये जो वर्ड्स हैं इनको हम कभी भी सिंगुलर में ही यूज़ करते हैं प्लूरल में कभी नहीं यूज़ करते हैं सो दीज वर्ड्स आर नेव यूज इन प्लूरल सो इफ़ आई वॉन्ट टू काउंट देम, फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर हमने कल घर पर नया ख़रीदा है तो उसको कैसे डिस्क्राइब करें आई वॉट सम फर्नीचर येस्टे I bought furniture yesterday. I need to move my furniture around in the house. मतलब यहाँ से वहाँ टेबल चेयर को हटाना है. So that is what you can use when you're talking about furniture. अगर हमको count करना है कितने furniture खरीदे हैं कल, तो a piece of furniture, two pieces of furniture, three pieces of furniture इस प्रकार से हम count कर सकते हैं furniture को. Machinery, same logic goes with machinery. सो यू कैन काउंट अ पीस ऑफ मशीनरी टू पीसेज ऑफ मशीनरी थ्री पीसेज ऑफ मशीनरी इस प्रकार से मशीनरी को भी हम डिवाइड कर कर काउंट कर सकते हैं इक्विपमेंट अ पीस ऑफ इक्पमेंट टू पीसेज ऑफ इक्विपमेंट थ्री पीसेज ऑफ इक्पमेंट फोर पीसेज ऑफ इक्विपमेंट इस प्रकार से हम इक्विपमेंट को भी काउंट कर सकते हैं बट ये नहीं कर, 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 बोल सकते हैं फर्नीचर्स मशीनरीज एकमेंट्स बहुत गलत है कभी यूज नहीं करते हैं एयरक्राफ्ट गलत अगर आपको यूज करना है प्लूरल में तो आप क्या बोलोगे एरोप्लेन्स एरोप्लेन्स ये बट एयरक्राफ्ट जो है वो ऑलवेज स्पेलिंग इज द सेम देर आर फाइव एयरक्राफ्ट इन द पेस यहाँ पे एयरक्राफ्ट नहीं लिख रहे हैं जैसे पोलस ऑफ कैटल भी हमने डिस्कस किया है याद रखिए ओके okay?

फोर इयर रिंग्स उसी प्रकार से फर्नीचर में भी आपको स्पेसिफिक होना है आप हो सकते हो बाई से टू बेड्स थ्री सोफास फोर चेयर्स एक्सेट्रा बट द वर्ड फर्नीचर नॉट बी यूज इन प्लूरल तो वर्ड फर्नीचर मशीनरी इक्विपमेंट एयरक्राफ्ट इनको आप प्लूरल में नहीं यूज कर सकते हो कलेक्टिव नाउंस. नाउ वी आर यू आर डन विद कॉमन नाउंस तो हमने क्या डिस्कस किया है कॉमन नाउंस में कॉमन नाउन वो होता है जो कॉमन होता है हर एक प्रकार के नाउन के लिए तो कोई भी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ नाउन है बहुत सारे हैं तो उनकी पूरी जो एक नाम दिया जाता है उसको कॉमन नाउन बोलते हैं तो अभी समझते हैं कलेक्टिव नाउन क्या है कलेक्टिव नाउन वो होता है एक पर्टिकुलर नाम जो एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को दिया जाता है फॉर एग्जाम्पल ग्रुप ग्रुप किससे बनता है इंसानों से बनता है बट इंसान क्या है कॉमन नाउन है ग्रुप क्या हो गया कलेक्टिव नाम क्यों क्योंकि वो एक वर्ड है जिसमें हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि लोग जो है वो एक झुंड बना के खड़े हैं तो यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा कि कलेक्टिव नाउन्स जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं इट इज अ सब कैटेगरी ऑफ कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन इज़ अ सब कैटेगरी ऑफ कॉमन नाउन कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन में कोई डिफरेंस नहीं है तो प्लीज़ कन्फ्यूज़ नहीं होना कि कलेक्टिव नाउन में क्यों आया है ये कॉमन नाउन में क्यों नहीं आया ये ये हम इसमें क्यों डिस्कस कर रहे हैं या उसमें क्यों नहीं डिस्कस कर रहे हैं सारे कलेक्टिव नाउन् कॉमन नाउन्स भी हैं कॉमन नाउन्स का सब कैटेगरी है कलेक्टिव नाउ्स सो लेट्स क्विकली डिस्कस दिस टीम टीम्स कमिटी कमिटीज ज्यूरी ज्यूरीज बैंड बैंड्स कंपनी कंपनीज क्लास क्लासेस क्राउड क्राउड्स क्राउड ऑफ पीपल क्लास ऑफ स्टूडेंट्स कंपनी कंपनी का क्या मतलब होता है आई हैव कंपनी ऑफ टू पीपल टूडे आई हैव कंपनी ऑफ टेन पीपल टूडे I want some company today because I am feeling lonely. तो so, यहाँ पे कंपनी का मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन वाला कंपनी नहीं है यहाँ पे कंपनी का मतलब वो साथ में रहना बैंड uh, a band of musicians, two bands of musicians, band of musicians, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ musicians जिनको बैंड बोला जाता है कमिटी तो कोई भी स्कूल कॉलेज ऑर्गेनाइजेशन कॉलोनी अपार्टमेंट हर चीज़ में कोई एक कमिटी फॉर्म होता है कमिटी का मतलब क्या होता है बहुत सारे लोग टुगेदर आते हैं एक पर्टिकुलर इशू के बारे में डिस्कस करने के लिए सो दैट इज़ अ कमिटी टीम जैसे आप जानते हो क्रिकेट टीम है बैडमिंटन uh, में टीम्स होते हैं टेनिस में टीम्स होते हैं सो so सारे टीम्स होते हैं देन सिंगुलर हर्ड हर्ड्स हर्ड किसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग कैटल के लिए काउस uh, के लिए बाफिलोज के लिए और विल्ड uh, के लिए सो so, इन सब चीजों के लिए हम यूज करते हैं वर्ड हर्ड हर्ड हर्ड्स हर्ड ऑफ एलिफेंट्स हर्ड ऑफ बफलोस एक्सेट्रा फ्लॉक इज यूज फॉर बर्ड्स अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स टू फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स मर्डर तो मर्डर किसके लिए यूज करते हैं हम लोग क्रोस रेवेंस, वालचर्स इनके लिए हम लोग मर्डर यूज करते हैं सो मर्डर ऑफ क्रोस मर्डर क्यों यूज़ करते हैं क्योंकि यूजली एक जो क्रीचर्स है रेवन है वाल्चर है क्रो है ये मरे हुए जानवरों पे ही आ, से ही खाना खाते हैं इनको स्कैवेंजिंग बर्ड्स भी बोलते हैं स्कैवेंजर्स बोलते हैं जो आ, ढूंढते हैं जो ऑलरेडी मरा हुआ हो सो वालचर्स रेविन्स और क्रोस को मर्डर ऑफ क्रोस, मर्डर ऑफ रेवंस मर्डर ऑफ वालच्चर्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जहाँ भी ये एक झुंड बनाते हैं वहाँ पे कोई ना कोई डेड बॉडी होती है हमेशा सो मर्डर इज़ यूज फॉर क्रोस, रेवंस एंड वालचर्स कॉलोनी ऑफ बीज कॉलोनी ऑफ एंट्स कॉलोनी ऑफ बग्स कॉलोनी ऑफ कैटपिलर्स एक्सेट्रा पार्लियामेंट पार्लियामेंट ऑफ़ यू नो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ एंड यू ऑल्सो यूज इट फॉर आउल्स पार्लियामेंट ऑफ़ आउल्स तो आउल जो है वो एक वाइज क्रीचर के तौर पर देखा जाता है इसीलिए जब आउल्स जो है वो झुंड बनाते हैं तो उनको पार्लियामेंट ऑफ़ आउल्स बोलते हैं देन लिटर इज़ यूज फॉर पपीस और बेबीज ऑफ एनिमल्स लाइक कैट के किटन्स को जो किटन्स पूरे एक झुंड बनाते हैं उनको लिटर बोलते हैं जो पपीज जो डॉग्स के बच्चे होते हैं उनको जब Uh, वो झुंड बनाते हैं तो उनको पप लिटर बोलते हैं स्वॉम ऑफ बीस स्वॉम ऑफ हनी बीस स्वॉम ऑफ लोकस्ट जो अभी यू नो यू कैन सी लोकस दैट आर कमिंग अराउंड दीज डेज सो लोकस जो होते हैं वो भी स्वॉम होते हैं सो स्वॉम ऑफ लोकस्ट स्वॉम ऑफ हनी बीस यू नो ऑल दीज कम अंडर स्वॉम सो इसका ये सिंगुलर प्लूरल सिंगुलर प्लूरल Example sentences. The team have, the team has won the match. तो यहाँ पे singular है The team has won the match. The team ate its lunch and washed its hand. तो ये wrong sentence क्यों है यहाँ पे तो हमने एक सेंटेंस लिखा है द टीम हैज़ वन द मैच और दूसरा सेंटेंस लिखा है द टीम एट इट्स लंच एंड वॉचड इट्स हैंड तो ये सेकेंड सेंटेंस गलत क्यों है द टीम हैज़ वन द मैच बिल्कुल सही सेंटेंस है और अगर हम लोग उसको टीम्स हैज वन द मैच लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा क्यों टीम्स प्लूरल है और टीम सिंगुलर है तो सिंगुलर नाउन के साथ हम क्या लिखते हैंज ही हैज़ अ कार दे हैव कार्स और अ कार तो यहाँ पे उसी प्रकार से हम अगर टीम्स लिखते हैं तो वी हैव टू राइट हैव और अगर हमने टीम लिखा है तो वी हैव टू राइट हैज़ द टीम हैज वन द मैच अब ये सेकेंड सेंटेंस में द टीम एट इट्स लंच एंड वॉश्ड इट्स हैंड इज रॉन्ग वाई क्योंकि यहाँ पे कलेक्टिव नाउंस में जब आ, एक जानवर या एक इंसान का जो कलेक्टिव नाउन होता है जब उसकी बात करते हैं जैसे फील्ड डिस्कस सम और कलेक्टिव नाउंस फॉर एग्जाम्पल लायंस एक ग्रुप ऑफ़ लायंस को क्या बोलते हैं प्राइड ऑफ लायंस पी आर आई डी प्राइड ऑफ लायंस और अगर हम um, डॉग्स या वुल्स की बात करते हैं तो दैट बिकम्स अ पैक ऑफ वुल्स और अ पैक ऑफ डॉग्स तो इस प्रकार से बहुत सारे कलेक्टिव uh, नाउंस हैं तो जब हम इनकी बात करते हैं तो जब एनिमल्स या इंसानों की बात आती है तो इंडिविजुअल यू नो परसेप्शन इंडिविजुअल यू नो एक्टिविटीज़ आर इन्वॉल्व इन इट दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर तो अगर एक टीम खाना खा रहा है तो टीम एज वन एंटिटी इज़ नॉट ईटिंग द लंच वॉट इज़ हैपनिंग योर ईच मेम्बर ऑफ दैट टीम इज ईटिंग हिज और हर लंच उस टीम में जो भी एक इंडिविजुअल है वो एक एक इंडिविजुअल खाना खा रहा है तो इसमें क्या करना है हमको ये चेंज होता है द टीम एट देर लंच एंड वॉश्ड देर हैंड्स यहाँ पे टीम सिंगुलर है फिर भी हम लोग प्लूरल वर्ब प्लूरल प्रोनाउन यूज कर रहे हैं देर वो इसीलिए क्योंकि वहाँ पे इंडिविजुअल की बात आती है और यहाँ पे एक यू नो एंटिटी नहीं बनता है विल लुक एट सम मोर एग्जांपल्स द कमिटी हैज़ टेकन अ डिसीजन एब्सोल्युटली करेक्ट क्यों कमिटी इसीलिए फॉर्म किया गया है कि वो एक डिसीजन ले सके सो व्हेन आई से द कमिटी हैज़ फॉर्मड अ डिसीजन द कमिटी इज सिंगुलर हैज़ अ सिंगुलर सो इट मेक्स सेंस नाउ सेकंड पार्ट कमिटी हैज टेकन टेकन सीट सीट का मतलब क्या होता है बैठ बैठ गए अपने चेयर में तो क्या पूरी कमिटी एक ही चेयर में बैठी है इफ आई से कमिटी हैज टेकन इट्स चेयर पूरी कमिटी एक चेयर में तो नहीं बैठ सकती है हर एक कमिटी का मेंबर जो है वो अलग अलग चेयर में बैठा है तो वहां पर हम चेंज करते उस सेंटेंस को द कमिटी हैव Taken their seats, or the committee have taken their chairs. तो so, ये आपको बहुत अच्छे से remember करना है। तो so, animals में भी same होता है। For example, the uh, pride of uh, the pride of lions is prowling in the jungle. Prowling का मतलब घूमना होता है। तो so, एक जून बना के घूमना तो उनका काम है। तो so, हम बोल सकते हैं, the pride of lions is prowling in the jungle. बट अगर वो प्राइड ऑफ लायंस जो है वो आपस में झगड़ा कर रहे हैं अगर आपस में झगड़ा कर रहे हैं प्राइड ऑफ लायंस तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे द प्राइड ऑफ लायंस आर फाइटिंग द प्राइड ऑफ लायंस आर फाइटिंग तो यहां पे प्राइड ऑफ लायंस जो है अब एक एंटिटी नहीं रहा है वो आपस में झगड़ा कर रहे हैं मतलब वो अलग हो चुके हैं सो दिस इज वॉट यू नीड टू रिमेंबर वेन यू आर लुकिंग एट कलेक्टिव नाउंस ले चुके द फोर्थ सेंटेंस हर्ड्स ऑफ विल माइग्रेट फ्राम सेलेंगे टू मसाइमारा एवरी ईयर टू हर्ड्स ऑफ फिफ्थ सेंटेंस द बैंड ऑफ रॉबर्स हैजोलिन तो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैंज़ और यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया हर्ड्स हर्ड्स यूज किया इसीलिए हमने वर्ब भी प्लूरल रखा यहाँ पे हमने सिंगुलर यूज़ किया यहाँ पे इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर है यहाँ पे क्लास ऑफ इंजीनियर्स इंजीनियर्स प्लूरल है रॉबर्स प्लूरल है पर क्योंकि हम कलेक्टिव नाउन यूज़ कर रहे हैं जो सिंगुलर है हमारा वर्ब भी यहाँ पे सिंगुलर होना चाहिए तो प्लीज़ रिमेंबर समटाइम्स वेन यू आर लुकिंग एट यू नो अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ समी तो वो कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है उसके बेसिस पे हमको सिंगुलर या प्लूरल वर्ब को यूज करना पड़ेगा ना लेट्स मूव इन टू मटीरियल नाउन सो वट आर मटीरियल नाउन्स मटीरियल नाउन एनी नाउन दैट इज अ मटीरियल और सब्सटेंस तो इसी में हम इसके पहले डिस्कस कर रहे थे राइस के बारे में सो so राइस जो है वो काउंट कर सकते हैं बट जो खाने का राइस है क्या आप उसको काउंट कर सकते हो नहीं क्यों यू कैन काउंट ग्रेन्स ऑफ राइस बट यू कैन नॉट काउंट राइस इट सेल्फ यू कैन काउंट लीटर्स ऑफ वाटर बट यू कान काउंट वाटर इट सेल्फ यू कैन काउंट लीटर्स ऑफ मिल्क पर आप मिल्क को एज इट इज काउंट नहीं कर सकते हो तो मोस्ट ऑफ़ द मटीरियल नाउन्स आर अनकाउंटेबल नाउन्स मोस्ट ऑफ द मटीरियल नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हो तो so, जब हम लोग डिस्कस करें अनकाउंटेबल की काउंट नहीं कर पाने की तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि काउंट करते करते थक जाएंगे मैं ये बोल रही हूँ कि उनको काउंट करना ही नामुमकिन है नाउ लेट्स एट दिस एग्जाम्पल राइस टू बोल्स और बैग्स ऑफ राइस हम कभी राइसेस नहीं बोलते हैं बट हम ग्रेन ऑफ राइस जरूर बोल सकते हैं तो इसमें काउंटेबल क्या हुआ ग्रेन अनकाउंटेबल क्या हुआ राइस वुड टू बंडल्स ऑफ वुड और अ लॉग ऑफ वुड गोल्ड टू ग्राम्स ऑफ गोल्ड और अ गोल्ड चेन सिल्वर टू ग्राम्स ऑफ सिल्वर और अ सिल्वर कॉइन तो गोल्ड और सिल्वर जो है हम उसको मेजर कर सकते हैं वन के जी टू के जी टू ग्राम्स थ्री ग्राम्स टेन ग्राम्स फिफ्टीन ग्राम्स सूप एक सूप एक एग्जाम्पल है इसमें आप सॉस ले सकते हो ऑयल ले सकते हो कोई भी चीज़ ले सकते हो जो लिक्विड फॉर्मेट या किसी भी फॉर्मेट में हो तो इसको भी हम काउंट नहीं कर सकते हम एक बोल ऑफ सूप कप ऑफ सूप यू नो टी स्पून ऑफ़ केचप और सॉस सो वी कैन ओनली यूज इट इन दिस वे हम सॉसेस सूप्स uh, इस प्रकार से हम यूज़ नहीं कर सकते हैं उसको प्लूरल में शुगर्स नहीं बोल सकते हैं सैंड्स नहीं बोल सकते वाटर्स नहीं बोल सकते तो ये सब क्या हो गए अनकाउंटेबल नाउंस हो गए तो जो भी वर्ड्स हम प्लूरल में नहीं यूज कर सकते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन्स हो गया पैकेट स्पून फुल कप ऑफ शुगर बैग ऑफ सैंड हैंडफुल ऑफ सैंड टू लीटर्स ऑफ वाटर वॉटर बॉटल लेट्स ओके द यूसेज ऑफ सम मोर ऑक्सीजन तो जो मटीरियल नाउन का मतलब क्या होता है सॉलिड लिक्विड गैस इस फॉर्मेट में जो भी मटेरियल या सब्सटेंस हो वो सब चीजें मटेरियल नाउंस में आते हैं क्या क्या चीज है सॉलिड लिक्विड एंड गैस सो सॉलिड्स में मटेरियल्स क्या है वुड है मटेरियल स्टोन है मटेरियल ब्रिक है मटेरियल और क्या मटीरियल हो सकते हैं कॉटन है सॉलिड में मटेरियल सिल्क है सॉलिड सॉलिड में मटेरियल तो ये सब जो है वो मटेरियल नाम्स हो, हो गए सॉलिड्स के लिक्विड्स में क्या हो गया सूप हो गया है ऑयल वाटर मिल्क ये सब जो है वो लिक्विड्स में हो गए गैसेस में ऑक्सीजन हीलियम एयर ऑल दिस कम्स अंडर गैसेस तो ऑक्सीजन हीलियम क्या बोलते हैं टू लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन टू लीटर्स ऑफ हीलियम या ऑक्सीजन सिलेंडर हीलियम बलून सॉल्ट कॉटन सैंड शुगर ये सब हमने डिस्कस किया तो so, अगर आप बोल सकते हो कि मैं तो शुगर को काउंट uh, कर सकती हूँ या काउंट कर सकता हूँ तो व्हाट यू आर काउंटिंग इज ग्रैन्यूल्स ऑफ शुगर और ग्रैन्यूल्स ऑफ सैंड और क्यूब्स ऑफ शुगर जब शुगर के क्यूब्स मिलते हैं आप उनको काउंट कर सकते हो जब शुगर uh, के आप एक एक अलग अलग करके ग्रैन्यूल काउंट करते हो उसको काउंट कर सकते हो तो क्या आप काउंट कर रहे हो आप आप शुगर को नहीं काउंट कर रहे हो आप किसको काउंट कर रहे हो ग्रैन्यूल्स को अगर आप शुगर क्यूब्स को काउंट कर रहे हो तो आप शुगर को नहीं काउंट कर रहे हो आप क्या काउंट कर रहे हो क्यूब्स ऑफ शुगर को सो क्यूब्स ग्रेन्स ग्रैन्यूल्स ये सब क्या होगा कॉमन आउस मटीरियल नाउन क्या हो गया सैंड शुगर सॉल्ट राइस ये सब मटीरियल नाम हो गया वीट सेम लॉजिक फ्लार फ्लार भी एक बैग ऑफ फ्लार बैग ऑफ फ्लार वन के जी फ्लार मिल्क ऑल्सो टू लीटर्स इस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान से सुनना ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो ऐसी चीज है जिसको हम देख नहीं सकते जिसको हम छू नहीं सकते और जिसको हम यू नो यू नो जिसके बारे में हम सिर्फ और सिर्फ सोच सकते हैं समझ सकते हैं और महसूस कर सकते हैं सो वट आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर इनटैजिबल नाउन्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स रेफर टू एनी थिंग दैट यू कान सी और टच एनी थिंग दैट यू कैन ओनली थिंक ऑफ एनी थिंग दैट इज़ अ परसैप्शन एनी थिंग दैट इज़ एन अंडरस्टैंडिंग और एनी थिंग दैट इज़ अ फीलिंग और इमोशन तो एब्सट्रैक्ट नाउम्स क्या है ऐसी कोई भी चीज़ जो इनटैनजिबल है इनटैंजबल का मतलब होता है जिसको आप छू नहीं सकते हो और देख नहीं सकते हो तो हर वो चीज़ जो आप छू नहीं सकते हो देख नहीं सकते हो सिर्फ महसूस कर सकते हो या समझ सकते हो उस चीज़ को या किस जिसके बारे में सोच सकते हो वो सारे चीज़ें जो है वो एब्सट्रैक्ट नाउम्स में आते हैं So, उसमें क्या है फीलिंग्स फ्रीडम गुडनेस ब्यूटी तो ये चीज़ें आप सिर्फ महसूस कर सकते हो समझ सकते हो आपके दिमाग से बट इन चीज़ों का आप देख नहीं सकते हो फॉर एग्जाम्पल ब्यूटी भी जो है वो क्या है परसेप्शनल है किसी चीज़ को रोज़ ब्यूटिफुल लग सकता है किसी लोगों को रोज़ ब्यूटिफुल नहीं लगता है तो इसका मतलब ये नहीं कि रोज़ ब्यूटिफुल है या नहीं वो इसका मतलब है कि आपकी समझ आपकी सोच कैसी है तो बेस्ड ऑन दैट वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज ब्यूटी एंड ऑल दीज एब्सट्रैक्ट नाउन्स बिच आर देर दे आर ऑल परसेप्शनल दे आर ऑल इंडिविजुअल दे आर ऑल इंडिपेंडेंट दे डोंट हैव अ स्पेसिफिक फीलिंग फॉर एग्जाम्पल इफ आई सेम वेरी हैप्पी आई कांट मेजर माई हैप्पीनेस उसी प्रकार से अगर कोई आदमी बोलता है दैट दैट पर्सन इज ऑल्सो हैप्पी वी कॉन्ट मेजर इन से वन पर्सन इज मोर हैप्पी एंड दे अदर पर्सन इज़ लेस हैप्पी तो ये जो हैप्पीनेस है वो एक इमोशन है वो एक फीलिंग है जिसको हम सिर्फ समझ सकते हैं महसूस कर सकते हैं बट उसको हम मेजर नहीं कर सकते सो इसी so, प्रकार से ब्यूटी है फ्रीडम है गुडनेस है सौरव uh, है हर प्रकार की वो फीलिंग जो होती है उसको हम एब्सट्रैक्ट नाउन बोलते हैं एट्रीब्यूट लाइक एक्सेलेंस Reluctance का मतलब होता है हेजिटेशन किसी चीज़ को दो बार सोचना करने के पहले तो रिलैक्टेंस एक्सेलेंस ब्रिलियंस attributes इंटेलिजेंस विजडम तो ये सब चीज़ें जो attributes है वो सब आते हैं Uh, इसी इसी एब्स्ट्रैक्ट uh, नाउंस में एनी थिंग रिलेटेड टू माइंड जैसे न्यूज़ इन्फॉर्मेशन एडवाइस ये सब चीज़ें भी जो है वो जो दिमाग में समझ में आती है वो चीज़ें डेटा स्टैटिस्टिक्स नंबर्स मैथमेटिक्स ऑल दीज ये चीज़ें हमको समझ में आती है हमको दिखता है कि मैथमेटिक्स नहीं दिखता है क्या हमको एडवाइस uh, दिखती है नहीं क्या हमको न्यूज़ दिखता है नहीं क्या दिखता है हमको हमको लोग बात करते हुए दिखते हैं न्यूज़ चैनल पे. पर हमको न्यूज़ बाई वो नहीं दिखता है क्या दिखता है हमको लेटर्स दिखते हैं यू नो रिटर्न फॉर्मेट पे आपको पेपर दिखता है न्यूज़पेपर में और आपको प्रिंटेड इंक दिखता है बट क्या जो वो इंफॉर्मेशन है क्या वो इंफॉर्मेशन दिख रहा है नहीं आपको क्या दिख रहा है वर्ड्स लेटर्स इंक पेपर पर जो भी इंफॉर्मेशन उसको कौन प्रोसेस कर रहा है आपका ब्रेन प्रोसेस कर रहा है इसका मतलब क्या है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है यानी उसको आप सिर्फ समझ सकते हो देख नहीं सकते हो और छू नहीं सकते हो पेपर जिसको आप छू सकते हो वो क्या है कॉमन नाउन यू कैन टच पेपर इट्स अ मटीरियल नाउन ओके सो पेपर जो है मटीरियल नाउन है क्यों हम पेपर को काउंट भी कर सकते हैं और पेपर बैग तो वो बैग किस मटीरियल से बना है पेपर से प्लास्टिक तो इसमें क्विकली वी लुक एट दीज एग्जाम्पल्स होते पेपर प्लास्टिक ओके तो आयरन रॉड ओके तो मेटल बोल्ट ओके सो प्लास्टिक तो ये सारे चीज़ें जो है वो भी मटीरियल नाउन्स में आते हैं जो कॉमन नाउन्स है तो so, यहाँ पे आप यू कैन रिमेंबर दैट इफ इफ आई कैन टच द पेपर और सीधन यूज़ पेपर इट्स अ पेपर इज इट्स अ मटीरियल नाउन दैट आई कैन सी इट्स नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूसेज अ पीस ऑफ एडवाइस अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन तो यहाँ पे आपको डाउट आ सकता है कि लेट्स uh, से मैं अगर किसी के पास जाती हूँ और ये सोचती हूँ कि लेवेंथ uh, के बाद ट्वेल्थ के बाद मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में तो कोई मुझे बोलेगा तुमको इंजीनियरिंग करना है कोई मुझे बोलेगा तुमको ऑनर्स करना है तुमको एल करके लॉयर बनना है कोई मुझे बोलेगा क्लैक लिखो कोई मुझे बताएगा आई लिखो और एम करो सो बेसिकली दर मैनी अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत सारे लोग बहुत सारे चीज़ें बताते हैं तो so, हर चीज़ को हम क्या बोलते हैं एडवाइस एडवाइस का मतलब होता है एक सजेशन जो देते हैं तो so, बहुत सारे हैं तो उनको काउंट कैसे करते हैं मैन वी कांट यूज वर्ड एडवाइसिस सो वॉट डू वी डू वी यूज वर्ड अ पीस ऑफ एडवाइस टू पीसेज ऑफ एडवाइस थ्री पीसेज ऑफ एडवाइस तो इस प्रकार से हम एडवाइस को जो है काउंट करते हैं देन लैंग्वेजेस स्पेनिश तेलुगू हिंदी इंग्लिश इस प्रकार से डिसीज मीज़ल्स, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स एक्सेट्रा सो डिसीजेस को भी हम आ, देख नहीं सकते हैं तो अगर आप ये सोचते हो कि चिकन पॉक्स में तो मेरे को दिखता है वो ब्लिस्टर्स तो आप जो देख सकते हो उसको क्या बोलते हैं ब्लिस्टर ब्लिस्टर इज अगैन अ कॉमन नाउन सो क्यों क्योंकि उसका प्लूरल है ब्लिस्टर्स बट एब्सटैक नाउन क्या है वो डिसीज अगर किसी को फीवर आता है क्या हमको दिखता है नहीं वो सिर्फ महसूस कर सकते हैं तो इसी वो भी आता है हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउंस में स्टेज लाइक एडोलिसंस टीन एजर चाइल्ड हुड एडल्ट हुड यह हमको दिखता नहीं है ये बस एक फेज है लाइफ का जिसका नाम दिया गया है गेम्स जैसे क्रिकेट फुटबॉल तो हमको क्या दिखता है जब आप क्रिकेट देखते हो आपको इंसान दिखते हैं एक बैट दिखता है एक बॉल दिखता है वो मारना और उसको पकड़ना दिखता है बट आपको क्या वो गेम बाय इट दिखता है नहीं वो जो क्रिकेट है वो एक सोच है वो एक गेम की समझ है जो आपके दिमाग में जिसका नाम क्रिकेट है अगर इस प्रकार से खेलें और इस रूल्स के साथ खेलें तो उस पूरे कॉन्सेप्ट का नाम क्रिकेट है तो क्रिकेट आ जाता है हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ह्यूमन बीइंग्स, विकेट्स बैट बॉल ये सब हो जाते हैं कॉमन नाउंस। सो सेम थिंग गोज विथ फुटबॉल टेनिस लूडो ऑल स्पोर्ट्स एंड गेम्स जैसे रनिंग रेस रनिंग रेस में भी वही होता है रनिंग रेस में हमको जो दिखता है वो लेग मूवमेंट है पर उसको रनिंग बोलते हैं वो एक एक्टिविटी है बेसिकली सो इसी प्रकार से स्विमिंग स्विमिंग इज माई हॉबी वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ रीडिंग एंड स्टडिंग यू नो हेल्प यू इम्प्रूव योर नॉलेज So, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग एक एक्टिविटी को ले रहे हैं और उस एक्टिविटी के बेसिस पे हम एक सेंटेंस बना रहे हैं सो so, यहाँ पे ये एक्टिविटीज भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हो गए लेट्स लुक एट फीलिंग्स एट्रिब्यूट्स, रिलेटेड टू माइंड सब्जेक्ट स्टेजेस लैंग्वेजेस और डिसीजेस तो यहाँ पे आपने एक ऑब्जर्वेशन uh, uh, किया होगा कि ये सारे वर्ड्स जो है उसमें हम हैप्पी भी बोल सकते हैं सॉरोफुल भी बोल सकते हैं एंग्री भी बोल सकते हैं ओबीडियंट भी बोल सकते हैं तो वो सब क्या है तो वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड इस बहुत सारे वर्ब्स और जो एडजेक्टिव्स हैं एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स अ नाउ तो बहुत सारे जो एडजेक्टिव्स हैं बहुत सारे जो वर्ब्स हैं उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन से ही बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल डेवलप कम्स फ्रॉम डेवलपमेंट ब्यूटिफुल कम्स फ्रॉम ब्यूटी ब्रेव कम्स फ्रॉम ब्रेवरी हैप्पी कम्स फ्रॉम हैप्पीनेस सोरो फुल कम्स फ्रॉम सॉरो सैड कम्स फ्रॉम सैडनेस एंग्री कम्स फ्रॉम एंगर हंग्री कम्स फ्रॉम हंगर स्टबर्न कम्स फ्रॉम स्टबर्नेस एट्रीब्यूट इंटेलिजेंस ब्रेवरी ऑनेस्टी तो ऑनेस्ट ऑनेस्टी से आता है करेजियस करेज courage से आता है ब्रिलियंस आइडिया नॉलेज सो नॉलेज भी सिर्फ हमारे दिमाग में होता है मैथमेटिक्स डेटा स्टैटिस्टिक्स डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट यूथ ओल्ड एज एडेप्टेसन सो डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट तो इसमें से क्या वर्ब जाते हैं डेवलप एस्टैब्लिश एडेप्ट तो ये सब भी एबस्ट्रैक्ट नाउम्स है जिसमें से हम वर्ब्स को डिराइव किए हैं जिसमें से हमने वर्ब्स और एब्जेक्टिव को डिराइव किया है लैंग्वेजेस डिसीजेस इंग्लिश हिंदी कोविड नाइन्टीन फीवर हेड एक ऑल दीज आर एब्सट्रैक्ट नाउ्स सम स्पेशल एब्सट्रैक्ट नाउम सिंगुलर प्लूरल हेल्थ हेल्थ न्यूज द न्यूज इज गोइंग टू टेलीकास्ट एट एट पी एम सिलेबस का प्लूरल होता है सिलबाई और सिलबेसिस, एनालिसिस का प्लूरल होता है एनालिसिस क्राइसिस का प्लूरल होता है क्राइसिस थीसिस का प्लूरल होता है थीसिस फिन फेनोमना टाइम द इज नो प्लूरल फॉर इट क्राइटीरियन क्राइटीरिया डेटम इज़ अ सिंगुलर डेटा इज द प्लूरल लाइफ लाइफ्स सो दिस इज़ वॉट वी हैव डिस्कसड इन टूडेज़ क्लास तो हमने बहुत सारे नाउन्स नाउन्स के बारे में जनरली सीखा है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स के बारे में सीखा है और उनके बारे में बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देखा है नेक्स्ट सेशन में हम क्या करने वाला हैं वी आर गोइंग टू सी मोर एग्जाम्पल्स ऑफ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स और हम आर्टिकल्स देखेंगे नेक्स्ट सेशन में सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आर चैनल एंड कीप वॉचिंग इट फॉर मोर सेशंस थैंक यू